वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा हिंदी चैनल। चलिए हम लिस्ट पे आते हैं, बट लिस्ट के पहले हम ये चीज़ बहुत ही क्लियर कर लें कि कैमरे खरीदने के पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखें, ना कि उन कैमरों को जो कि मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे कैमरे अवेलेबल हैं। तो उन कैमरों को देखने के पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है एक कैमरे से, क्या आपको कैमरे में चाहिए एक पर्टिकुलर कैमरे से। बहुत आदमी की ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे पर्टिकुलर ब्रांड का कैमरा लेना है, वो पर्टिकुलर मॉडल लेना है, लेकिन वो सब छोड़ के आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को खंगारिए कि भाई हमें एक्चुअल में क्या चाहिए एक कैमरे से। जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो तो उसके बाद आप अपने बजट पर जाइए कि आपके पास बजट कितना है। बजट वर्सेस स्पेसिफिकेशन रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है कैमरे को खरीदने के पहले। उसे आप ध्यान से देखिए कि कितने कम बजट में किस कंपनी आपको कितना अच्छा स्पेसिफिकेशन दे रही है। हालांकि ये वीडियो अभी कैनन पे बन रहा है, तो मैं अभी सिर्फ कैनन पे ही लिमिटेड रहूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ये सारी बातें करने के बाद कि कैमरा एक डोर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। कैमरे की बॉडी आपने खरीद ली, किट लेंस के साथ खरीद ली, तो उसके बाद आप करेंगे क्या? आप एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हैं, वीडियो ब्लॉगर हैं, आप आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर हैं, इंडोर शूटर, इवेंट शूटर, वेडिंग फोटोग्राफर, आपकी प्रोफेशन क्या है और क्या आप उस कैमरे के साथ करना चाहते हैं, क्या यूसेज है आपके उस कैमरे की, उस हिसाब से लेंस की परचेजिंग आपको फिर करनी पड़ेगी। तो अगर आपका बजट 90,000 80,000 है कैमरे को ख़रीदने का, तो आप कोशिश करिए कि कितना कम आप रेंज में अपने बॉडी को परचेस करें, क्योंकि मेन कैमरे की जो जान होती है वो लेंस होती है, ना कि कैमरा का बॉडी। आप 18 से 55 mm लेंस के साथ बहुत ही अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू भी हैं, आप बिगनियर हैं, तो आपकी जो फ़ोटो है हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन से भी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आपके पास वो स्पेसिफिक लेंस नहीं जो एक प्रोफेशनल के पास होती है। तो आप लेंस पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि कैमरे पे। ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कैमरे को ख़रीदने के पहले। फिलहाल हम टॉप 5 कैमरे की बात करते हैं जो कि कैनन में अभी अवेलेबल हैं। मैं फ़ीचर्स की लिस्ट डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्या है कि काफ़ी सारे ब्लॉगर्स होते हैं, कैमरे का नाम लिया फिर फीचर पढ़ना शुरू किया और वीडियो एंड होगी। नहीं, मैं ये बताऊंगा कि इस कैमरे में सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, सबसे वर्स्ट चीज़ क्या है, और आपको वो कैमरा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैनन के 3000D के साथ। कैनन का 3000D सबसे बेस मॉडल है कैनन का, इंडिया में अवेलेबल है सिर्फ। और क्यों इंडिया में अवेलेबल है उसका भी एक रीज़न होना चाहिए। रीज़न ये है कि कैनन ने उसमें अपना एक 7-8 साल पुराना 18 MP का सेंसर लगा दिया है और वो मार्केट में उसे फ्लैश आउट कर दिया है। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि 18 MP का DSLR फ़िलहाल आप ना ही लें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ उसमें है कि उसका प्लास्टिक माउंट, जो कि बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं। अगर आप एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैमरा परचेस करना चाह रहे हैं, तो वो कैमरा आपका साथ उतना नहीं देगा, क्योंकि वो प्लास्टिक माउंट है, ज़्यादा दिन चलनी नहीं है। अब हम बात करते हैं, तो ये तो एक बेस मॉडल था 3000D, जिसे मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप परचेस ना करें। उसके बाद जो सेकंड मॉडल आता है हमारे पास, वो आता है 1500D का, जिसमें 24 MP की सेंसर कैनन ने लगाई है। तो ये 24 MP की सेंसर काफ़ी अच्छी है। अगर आप बिगनियर हैं, आप फ़ोन यूज़ कर रहे थे अब तक, आपको एक DSLR चाहिए जिसमें कि आप मैनुअल मोड्स के साथ थोड़ा प्ले कर सकें, थोड़ा सीख सकें भाई DSLR होता क्या है, तो 1500D बहुत ही अच्छा कैमरा है बिगनियर्स के लिए, अगर वो स्टिल शूटर हैं तो। तो अगर आपको अच्छी स्टिल इमेजेस खींचनी है, तो आप 1500D के साथ बिगिन कर सकते हैं, बिल्कुल ही सही कैमरा रहेगा आपके लिए। 1500D की जो वेबसाइट में प्राइस है वो तो 30, 32 या 33 के आसपास है उसके किट लेंसेज के साथ। हालांकि प्राइस काफ़ी वेरी करती है ऑनलाइन साइट्स में, तो आप चेक कर लेना। दूसरा मैं रिकमेंड करूँगा कि ये कैमरा स्टिल शूटर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप वीडियो खींचते हैं, वीडियोग्राफर भी हैं, और आपको एक हाइब्रिड कैमरा चाहिए, तो ये कैमरा नहीं ठीक है, क्योंकि इसमें वीडियो ऑटो फोकसिंग नहीं है। ये आपको बहुत ही क्लियर समझ लेना है कि 1500D से आप अच्छी स्टिल इमेजेस तो खींच सकते हैं, लेकिन अच्छे वीडियोस नहीं बना सकते हैं। अगर आपको अच्छा वीडियो बनाना है, तो आपको एक लेवल अप जाना होगा। एक लेवल जैसे ही अप जाते हैं हम 50,000 के रेंज पे, तो हमारे पास 2 या 3 ऑप्शन कैनन के आ जाते हैं, जिसमें M200, 200D Mark II और M50 भी कहीं ना कहीं उस रेंज में, वो भी घुस जाता है उसके रेंज में। तो
हम M200 की बात कर ले। M200 जो है कैनन का रिसेंट अनाउंसमेंट, एक मिररलेस अल्ट्रा कम्पैक्ट कैमरा है। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट जंप कर रहे हैं कैमरे की फ़ोटोग्राफी के वर्ल्ड में, तो M200 आपको ऑकवर्ड नहीं फील करने देगा। बहुत ही कम्पैक्ट डिज़ाइन है, बहुत ही ईजी आप फील करोगे जब आप उसके साथ शूट करोगे, और बहुत ही अच्छी स्टिल इमेजेस खींचता है। फोकसिंग उसकी काफ़ी फास्ट है क्योंकि उसके अंदर जो सेंसर कैनन ने लगाया है वो 200D मार्क 2 का लगा दिया है। तो स्टिल इमेजेस के लिए वो काफ़ी अच्छा कैमरा है। ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए, अगर आप लाइफ स्टाइल ब्लॉगर हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो, आप हैंड हेल्ड ब्लॉगिंग करते हो, तो कैमरा काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपको ऑफिस रूम वीडियो शूट करने हैं, आपको एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स की मदद से शूट करना है जैसे कि मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तो कैमरा अच्छा नहीं है। रीज़न बस इतना है कि उसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स की ऑप्शन नहीं है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में इंटरनल माइक्रोफोन्स के ऊपर डिपेंड रहना होगा। तो M200 कैमरा एक बहुत ही अच्छा कैमरा है, बट उसमें जो इश्यू है कि उसमें आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं यूज़ कर सकते हैं वाइल रिकॉर्डिंग वीडियोस। तो बहुत ही अच्छा स्टिल कैमरा है, बहुत ही अच्छा लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग कैमरा है M200। 200D मार्क 2 की तरफ आते हैं। M200 कैमरे की प्राइस लगभग 40 या 42 हज़ार के आसपास अभी है। रिटेल आउटलेट में आप देखोगे, और ऑनलाइन साइट्स में डिफ़र भी हो सकती है, थोड़े बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन लगभग इतनी है। अब हम बात करते हैं 47,000 पे अवेलेबल 200D मार्क 2 कैमरे के बारे में, जिसकी प्राइस रेंज वेरी करती है 47 से 52। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कई साइट्स 47 पे बेच रहे हैं। रिटेल आउटलेट में अगर आप निगोशिएट नहीं करोगे तो 52 में आपको वो बेच देंगे। तो ये प्राइस रेंज है इस कैमरे की। 200 मार्क 2 जो कैमरा है ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। हालांकि मैं वीडियो भी इस समय उसी कैमरे पे बना रहा हूँ 50mm लेंस के साथ। ये कैमरा अच्छा क्यों है? क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टिल इमेजेस खींचेगा। 47 में आपको अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के थ्रू। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैमरे में वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन है। ये जो डिस्प्ले स्क्रीन सिस्टम रहता है वेरी एंगल वाला, मेरा काफ़ी फेवरेट है। क्योंकि अगर आप टिल्टिंग अप स्केल डिस्प्ले लेते हो, हॉट सू में अगर माइक्रोफोन को अगर आप लगाते हो तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाता है, तो वो 180 डिग्री टिल्टिंग स्क्रीन जो रहती है मेरी फेवरेट नहीं है। यहाँ पे वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन आपको मिल रही है। 200D मार्क 2 में थर्ड जनरेशन DPF है, तो आई ऑटो फोकसिंग आपको मिलती है, काफ़ी फास्ट ऑटो फोकसिंग है। तो ऑटो फोकसिंग के मामले में अगर बात कर लो तो 80D से भी ज़्यादा अच्छा है। तो या तो आप 200D मार्क 2 कैमरा लें, या तो फिर 90D या M6 मार्क 2 कैमरा लें। 80D आउटडेटेड हो चुका है, M50 भी आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि 200D 2 में कैनन ने थर्ड जनरेशन की DPF सिस्टम लगा दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई 47 या 50,000 का रेंज का कैमरा तो हो गया, अगर हमको इससे भी अच्छा कैमरा परचेस करना है तो वो कौन सा रहेगा? तो ऑफकोर्स M6 Mark II। कैनन का M6 Mark II जो है उसकी प्राइस रेंज लगभग आपको 80,000 से थोड़ी ऊपर ही भागती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैनन ने अब तक का सबसे अच्छा अपना APS-C सेंसर लगाया है, जिसकी रेजोल्यूशन है 32MP। तो ये 32 मेगापिक्सल का जो सेंसर है, इससे अगर आप इमेजेस लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डिटेल आपको देगा। और अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कैनन APS-C कैमरा है M6 Mark II एज वेल एज 90D। M6 Mark II थोड़ा सस्ता है। तो M6 Mark II आपको क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए? M6 Mark II बहुत ही कम्पैक्ट और लाइट वेट कैमरा है। सबसे अच्छी बात है कि आप अभी तक मैंने जितने भी कैमरे डिस्कस किए हैं, 200 Mark II कर लिया है या M200 किया है, वो सब बहुत ही अच्छी फुल HD वीडियोस लेते हैं। लेकिन मैं 200 Mark II को भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको 4K वीडियोस के लिए यूज़ करें, क्योंकि उसमें सुपर क्रॉप इश्यूज़ आती हैं, जैसे कि M50 में हमने फेस किया था। और साथ ही DPF सिस्टम का सपोर्ट हट जाता है अगर आप 200D Mark II या M200 या M50 से 4K वीडियो ले रहे हैं, तो काफ़ी स्लो एफ हो जाती है। M6 Mark II या 90D में ऐसी कोई इश्यू नहीं है, कोई क्रॉप फैक्टर आपको फेस नहीं करना है, फुल टाइम ऑटो फोकस का सपोर्ट मिल रहा है। 80,000 के लगभग प्राइस रेंज है, जो कि 20K लेस है अगर आप 90D से कंपेयर करें। रफली मैं एस्टिमेट बता रहा हूँ आपको। तो M6 Mark II बहुत ही अच्छा कैमरा है अगर आप इसे परचेस करते हैं।
क्या क्या इसमें आपको नहीं मिलता है 90 डे के कंपैरिजन में। तो बेसिक चीज़ जो होती है, एक वेदर सीलिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होती है कैमरे की, वो 90 डी में है लेकिन M6 Mark II कैमरे में मिसिंग है, तो ये चीज़ आपको नहीं मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 90 डी में कैनन ने इंट्रोड्यूस किया है हेडफोन्स जैक। हेडफोन्स जैक के थ्रू आप ऑडियो को जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो वीडियो, तो उस समय आप देख सकते हो कि किस तरह का ऑडियो इनपुट हो रहा है कैमरे के अंदर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ये 90D में कैनन ने इंट्रोड्यूस करा है, हेडफोन जैक को दे दिया है कैनन ने, तो आप उस समय रिकॉर्ड करते समय आप देख सकते हो कि कैसे ऑडियो लेवल्स इनपुट हो रहे हैं कैमरे के अंदर, ये चीज़ M6 Mark II कैमरे में मिसिंग है। जो थर्ड सबसे मेजर चीज़ आपको मिस होती है M6 Mark II में, वो है बैटरी लाइफ। M6 Mark II आपको 300 के करीब शॉट्स अलाउ करता है एक बार चार्ज होने के बाद, वहीं 90D आपसे आप 1000 से ज़्यादा शॉट्स खींच सकते हैं। तो ये तीन मेजर नोटिसेबल डिफरेंस है, वेदर सीलिंग का हो जाए, दूसरा आपको हेडफोन पोर्ट का हो जाए, या फिर बैटरी लाइफ का हो जाए। अगर ये तीन चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करते हैं तो आप M6 Mark II कैमरे के साथ जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता है, थोड़ा ज़्यादा कम्पैक्ट है, हैंडलिंग में ईजी रहेगा न्यू के लिए, न्यू यूज़र्स के लिए स्पेसिफिकली, जो कि स्मार्टफोन्स के बाद आ रहे हैं यूज़ करने कैमरा। हालांकि 90D जो कि पहले से DSLR यूज़ करते हैं, जिन्हें हैंड ग्रिप पसंद है कैमरे में, वो 90D के साथ जाए। वेदर सीलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो। तो ये थे कैनन के सबसे अच्छे कैमरे फ़िलहाल के लिए। बात बाकी अगर हम USRP और USR की बात करें, तो USRP एक एंट्री लेवल फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है, आफ्टर फर्मवेयर अपडेट्स उसमें आई ऑटो फोकसिंग को कैनन ने वो दोनों कैमरे में इनेबल कर दी है, और फोकसिंग और ट्रैकिंग को भी काफ़ी इंप्रूव करा है। तो 26 मेगापिक्सल सेंसर के साथ, जो कि 6D Mark II का मॉडिफाइड सेंसर है, कैनन USRP की प्राइस लगभग आपको 2 लाख के करीब पड़ेगी। और वहीं अगर आप USR कैमरा परचेस करना चाह रहे हैं तो वो आपको 2,50,000 के लगभग में पड़ेगा। तो फिलहाल अगर आप एक बिगनियर हैं तो आप अपने आप को APS-C तक ही लिमिटेड रखिए, क्योंकि अभी जो कैनन के लेटेस्ट मॉडल आए हैं M6 Mark II और 90D, उस पर कोई 4K क्रॉपिंग इश्यूज नहीं है, बहुत ही अच्छा DPF सपोर्ट मिलता है जब आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो। ये कैनन के फिलहाल के जो अनाउंस्ड कैमरे हैं, स्पेसिफिकली मैं 200D Mark II, M6 Mark II और 90D की बात कर रहा हूँ, ये तीनों काफ़ी अच्छे कैमरे हैं। तो आप अपनी रेंज को देख लीजिए, आपको कौन सा कैमरा लेना है, उसके बाद आप अपना बेस्ट कैमरा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी बेस्ट कैमरे की लिस्ट कि कौन कौन से अभी सबसे बेस्ट कैमरे अवेलेबल हैं कैनन के रेंज में। आप अपना कैमरा सिलेक्ट करें, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।